बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। इस्लामाबाद पर जलगार की तैयारियां मुकम्मल हैं, 13 जमातें हैं, मासूम बच्चे हैं, लश्कर कुशी होगी, इस्लामाबाद पुलिस गायब हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने मीटिंग की, एक भी पुलिस का अफसर नहीं आया। 1997 वाली वारदात दोबारा हो रही है, एका हो चुका है, दफ़ा 144 लगी है। कानून, आयन, जमहूरियत, मईशत, अखलाकियात, इंसानियत, सब कुछ तबाह होने जा रहा है। कुछ अहम खबरें आपके सामने रखता हूँ, फिर तज़िया वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। जिना उस लाहौर में जो हुआ उस पर भी इंकशाफात आए, कुछ ऑडियो लीक्स भी सामने आ चुकी हैं। अब हुकूमत उन तमाम लोगों को इसमें शामिल करे और गिरफ़्तार करे, उन तमाम लोगों को अवाम के सामने लाए कि ये मामला असल में हुआ क्या, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा बहुत सी और भी मीटिंग्स हुई पिछले 24 घंटों में और इस वक्त एक शदीद हलचल मची हुई है। इमरान खान की तकरीर ने पूरा निज़ाम जो है वो हिला कर रख दिया। कौन किस से मिला और किसकी बात क्या हुई, इस्तीफ़ों की खबरें भी हैं। सिंध और पंजाब में हज़ारों पुलिस वालों को सादा लिबास कपड़ों में धरने में पहुँचने की हिदायत मिली है। काम बहुत ख़राब करेंगे ये लोग, इसका मकसद रेड जोन में फसादात करवाएंगे, जजेस को दबाव में लाएंगे, इमरजेंसी और मार्शल लॉ का रास्ता क्लियर करवाएंगे। इमरान खान को असल बात किस पे गुस्सा आया वो भी मैं आपको बताता हूँ इसके दौरान। और ये क्या मजबूरी थी कि लोगों ने इमरान खान को रिहा किया, 8 बड़े अहम लोग भी बरतरफ करने पड़े ने। इमरान रियाज आपको पता है कहाँ है इस वक्त, उन्हें बाजियाब नहीं करवाया जा सकता। उनकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं, बहुत सारे लोगों ने बात की है, उस पर भी तफसील से बात करते हैं। और कुछ इंटरनेशनल ख़बरें भी आपको बतानी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम लोग मसरूफ़ हैं। दुनिया में क्या हो रहा है ये भी हमें पता तो हो कम अज़ कम। मास्को में शाम और तुर्की के हुकाम की खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, और इसराइल में तेल अबीब में इसराइल का दारुल हुकूमत है, वहाँ आवाम एक दफ़ा फिर सड़कों पर आ चुकी है, और वहाँ पर भी नेतन्याहू और इसराइली फ़ौज के खिलाफ कातिल कातिल के नारे लग रहे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, लेकिन उन्हें कोई मार नहीं रहा, कोई गिरफ़्तार नहीं कर रहा, घरों में छापे नहीं मार रहे, उनकी माओं को कोई भी किसी कमरे में ज़बरदस्ती नहीं लेके जा रहा जहाँ 5-6 पुलिस वाले ये ना कह सकें कि अगर उस्मान डार ना आया तो हम उसकी माँ के साथ ये कर देंगे, और उसकी बहन बार चीखती चिल्लाती नजर आए। ये बड़ा अहम दिन है, माओं का दिन, मदर्स डे जिसे कहा जाता है, लेकिन जो हाल इसकी माँ का देखा, फिर डॉक्टर यास्मीन का देखा, बहुत सी माओं का देखा जिनके बच्चे अभी शहीद भी हुए, समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि जो दरिंदे बन चुके हैं उन्हें समझ नहीं आती कि माएँ तो सांझी होती हैं और माओं को तो छोड़ दो जालिमों। कल खान के गुस्से की वजह भी समझ आई जब उस्मान डार के घर की वीडियो उसने देखी। अब ज़रा सोचें कि ये उस्मान डार तो ताकतवर और अमीर आदमी, ये आम लोगों के साथ क्या करते होंगे। लेकिन सलाम है उस माँ को भी उस्मान डार की जो कह रही है जो मर्जी हो कर लो, उस्मान डार अपने मकसद से खान से पीछे से नहीं हटेगा। सलाम है उनकी हिम्मत को। ख्वाजा आसिफ ने अपनी सियासत बचाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता है कि सियालकोट की बिजनेस कम्यूनिटी इस वक्त बड़े शदीद गुस्से में है। वैसे ख्वाजा आसिफ की सियासत वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, उसकी उम्र 76 साल, आगे को वारिस सियासत में है नहीं, इलेक्शन जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरा ख्याल में जो बाकी ज़िंदगी रह गई अगर वो इज़्ज़त से गुजर जाए तो यही बेहतर है, वो माफ़ी तलाफ़ी करें, लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करें, क्योंकि हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं। इदारों को कहते हैं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जैसे फैसिलिटेटर उनके साथ मौजूद हैं। अगर आप इन पुलिस वालों को बेनकाब करेंगे, ये 5 लोग थे तो कानून के कटहरे में लाए उन्हें, तो फिर लोगों को समझ आएगी कि आप वाकई जेन्युइनली दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। और साथ आज यकीन करें सुबह तुर्की में भी इलेक्शन हो रहा है, सुबह से चल रहा है, हिंदुस्तान में भी इलेक्शन हो रहा है और आज पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो रहा होता, लेकिन सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने सबको कहाँ ला के खड़ा किया कि ये T20 इसकी गेम अब सुपर ओवर में चली गई है। बदकिस्मती से जो हुकूमत है उनके हैंडलर्स हैं वो अभी तक इसे टेस्ट मैच समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं, शदीद गम गुस्सा है, बेचैनी है, एक बैठक ख़त्म होती है दूसरी शुरू होती है, इन्हें समझ नहीं आ रहा इस वक्त। यकीन जा रहा है, मैं हकीकत बताऊँ, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें और कैसे करें। सुप्रीम कोर्ट लोगों को जाने दें ना जाने दें, दफ़ा 144 लगाएं, रोकें, किसको हटाएं, किसका इस्तीफ़ा मांगें, कोई पता नहीं। 5 लोग ऐसे रह गए जिन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इस मामले को हल कैसे करें। ये सोच रहे हैं कि आप देखें 1 जून को बजट पेश करना है, IMF को $4 अरब इन्होंने देना है 1 जून, और दिन कितने रह गए, 16 दिन है आपके पास, खजाना आपका बिल्कुल खाली है, डिफ़ॉल्ट लाजमी है। ऊपर से जुलाई में जब इदारों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, देखें ये सारे लोग आम पाकिस्तानी हैं, जब तनख्वाह नहीं मिलती तो घर का बजट नहीं चलता, घर में जब दाल चावल रोटी ना आए तो ख़ुद बगावत निकलती है। ये जो पुलिस वाले हैं इनके घरों में भी दाल चावल आटा चाहिए, जब ये नहीं आएगा तो उन्हें समझ आएगी, वो बात नहीं मानेंगे। अभी गैर कानूनी अहकाम ना मानने पर 8 लोगों ने बरतरफ किया जिन्होंने पंजाब में आवाम पर गोली चलाने से इनकार किया, और उसमें बड़े लेवल के अहदेदार शामिल हैं। आपने अभी वो वीडियोज़ देखी होगी जिसमें वो एक ASP तैमूर मिर्ज़ा उसका नाम है, पुलिस के जवानों को कह रहा है गोली चलाओ, उन्होंने इनकार किया, वो आगे से उसको डंडा मार रहा है बाकायदा तौर पर।
और ये मामला सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा, इदारे में बैठे तमाम लोग, सब लोग पाकिस्तान के, वो सब जानते हैं असल मामला क्या है। इमरान खान, असल बात ये थी, जमान पार्क में देखें पिछले 5 महीने से रिहाइश पजीर है। जमान पार्क की जो सिक्योरिटी जिनके पास, उनमें से किसी एक के पास भी बंदूक नहीं, वो सारा दिन कवालियाँ नातें ये करके एहतजाज करें पुरमन अंदाज में, जमहूरी अंदाज में, जो पूरी दुनिया मानती है। लेकिन जो लाहौर के आपको पता है सबसे बड़े इंचार्ज थे, उनकी तरफ से राणा सनाउल्ला बकायदा उनकी शिकायतें लगा रहा था कि ये तावन नहीं कर रहे, इमरान खान को गिरफ्तार करना मुश्किल हो रहा है, जा नहीं रही है, पुलिस के पास का काम नहीं है, हमें इनका तावन चाहिए, बड़ा हमला करना है। अब जो लाहौर के बड़े इंचार्ज थे, उन्होंने कहा जी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। फिर उसके साथ साथ उन्होंने नीचे भी सारी हदायत फिल्टर डाउन की कि कोई भी शख्स गैर कानूनी काम नहीं करेगा, पाकिस्तान की अवाम इनके साथ कोई जुल्म ना करें। और यही वजह देखें, वो बंदा दिलेर और बाज़मीर था। फिर उनके जो बड़े हैं उन्हें बात अच्छी नहीं लगी, कहा जी इसे नौकरी से भी निकालना है, प्लस इसे ये जो उसने 6 महीने में रगड़ा दिया है सबक सिखाना है और कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आपको पता है कि उनकी भी मजबूरियाँ थी, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, उनके घर पर हमला करने से पहले एक शाम उन्हें मुलाजमत से पहले बरतरफ किया और तमाम सिक्योरिटी इदारों को बताया कि इनको हुक्म नहीं मानना। अब साहब को पता ही नहीं था हो क्या रहा है, यही वजह थी। अब ऑडियो लीक्स उनके घर से निकली, अभी वो खातून खुद बता रही हैं लेखाना कि शरपसंद हमारे घर में जब घुसे तो वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद ही नहीं थी। 75 बंदा तो कम अज़ कम साथ होता है, कम अज़ कम, बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। वैसे छोटे मोटे अफसरान थे, उनके एक अफसर जो पश्तो ज़ुबान बोलता था, उसने इन शरपसंदों से बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने आगे से एहतराम किया, कहा जी हम आप यहाँ से चले जाएँ, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, मतलब आप जाएँ, आपको तोड़ फोड़ हमने करनी है, इस घर को हमने जलाना है। अब उस खातून के मुताबिक फिर उन्होंने आग वगैरह लगा दी और फिर ये पड़ोस के घर से जो बंदयाल साहब के शायद समदी का घर है या उनके किसी रिश्तेदार का, वहाँ सीढ़ी लगा कर ये लोग, उन लोगों से फिर वहाँ उन्होंने रात के कपड़े तक पहने हुए थे, वो जो नाइट गाउन वगैरह होते, गाड़ियाँ मांग के उनकी अपने उधार दफ्तर पहुँचे। पता चला मामला ही उल्टा है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, SP जैसा बंदा जिसकी इतनी औकात ही नहीं, बड़े साहब बड़े दिल बर्दाश्त हो गए। अच्छा, यहाँ जो इनका घर है ना, ये इसका मोहल्ले वकू, ये ऐसा है कि वहाँ हकीकत में चिड़िया पर नहीं मार सकती। मेरा माजी में इतफाक़ हुआ कुछ इन लोगों से अच्छे तल्लुकात का, तो उनका प्रोटोकॉल देखकर आप हैरान रह गए। बल्कि अभी आपको याद होगा कादर पटेल ने, पीपल्स पार्टी वाला जो है वो, उसने असम्बली में एक बात की कि जी एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल देखा, मुझे लगा कि सदर या वज़ीर आज़म आ रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये और बात है, कादर पटेल को फिर अगले दिन मतलब माफ़ी मांगनी पड़ी, वीडियो बनानी पड़ी। इनका जो एक नारा बना हुआ था भुट्टोइज़म पीपल्स पार्टी का, वो तो खैर उन्होंने बेच दिया, अब ये लुट्टोइज़म बन गया वो सही मानों में। पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, चिड़िया वहाँ पार नहीं मार सकती। अब घर के जो मालिकान हैं, खवातीन की सोशल मीडिया पर अब बातचीत आ चुकी है सारी, तमाम अफसरान को उन्होंने कहा, फ़ोन किए पुलिस वालों को, फ़ोन किए हर एक को, लेकिन सिक्योरिटी जानबूझकर हटा दी गई थी शरपसंदों के लिए, घरों पर हमला किया गया, चादर चारदीवारी का तकदस पामाल किया गया। बड़ा अफसोसनाक मामला है। जिस तरह देखें उस्मान डार के घर की मजम्मत है, इसी तरह हर घर में हर तनसीबात पर हर बिल्डिंग पर शरपसंद लोगों की, किसी की हरमत और इज्जत पर पाकिस्तान में हर एक ही अहम है, जितनी ताकतवर लोग होंगे, तो इन शरपसंद लोगों के कानून को कटहरे में ज़रूर लाना चाहिए। इन्हें यहाँ इजाज़त किसने दी, कौन इन्हें लाकर बाकायदा अपनी गाड़ियों में छोड़ कर गया। अब ये मामला जो है इसकी मुकम्मल तफ्तीश ज़रूर होनी चाहिए, इस पर JIT बननी चाहिए, लेकिन ऐसी ना हो जैसे इमरान खान पर हमले की JIT थी। अब शरपसंद सामने आए, उन्हें सजा मिले, लोगों को पता चले कार्रवाई हुई है, किसने की है, किसने करवाई है, इसके पीछे असल सहूलतकार कौन थे, के नाम भी ज़रूर आने चाहिए। क्योंकि अब इसको इशू बनाकर आर्मी एक्ट की बात भी हो रही है, वारदात ही हो रही है। देखें कि जिन लोगों ने यहाँ पर हमला किया, इसे जवाज़ बनाकर आर्मी एक्ट 1952 की सेक्शन 59 और 60, इसके तहत जो मुकदमा दर्ज करने की कोशिश, ताकि कोशिश है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कुछ लोग साफ़ी में, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इसके तहत जो मुकदमात हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, कानून में बिल्कुल इसी गुंजाइश मौजूद है। कुलभूषण के खिलाफ सेक्शन 59 के तहत मुकदमा हुआ है, सजाए मौत थी वहाँ से, उस कोर्ट से आर्मी से, लेकिन अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है मामला। इस तरह और भी बहुत सारे कुछ केसेस हैं, तो ये चल सकता है वहाँ पे। लेकिन अब मामला जो बदलने जा रहा है वो कोर्ट पे हमला, सुप्रीम कोर्ट आखिरी ऑप्शन। इमरान खान ने वो पंजाबी में कहते हैं ना, वाकिंग की मंजी ठोक दी है, फजलुर्रहमान इकतदार के मज़े ले रहे हैं, प्रोटोकॉल उसके पास मौजूद है, गार्ड बंगले सब कुछ, वजारतें, अब वो करने के जा रहे हैं ये समझ से बलाता रहे, ये मदरसे के बच्चों की तरफ देख रहे हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों से इनकी उम्मीदें लगी हुई, ये इनकी आखिरी उम्मीद है। मौलाना मरियम दोनों एम जंग में, जिस तरह वो कहते हैं ना, मरासी के बच्चों को जब लिया गया तो बादशाह, मरासी ने बादशाह से कहा, बादशाह साहब अगर नौबत यहाँ तक आ गई है तो बेहतर सुलह कर लें। 1200 रुपये का आटा 4500 रुपये पर चला गया, फजलुर्रहमान के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, 4500 का।
ये अगर गैरत ज़मीर और इंसानियत होती, ज़ुल्म सितम करप्शन और ये लाकानूनियत, तो सबसे बढ़कर जो पख्तूनों पर जो जुल्म हुआ, और ये अपने आप को पख्तून कहता है उस इलाके में, इसको शर्म नहीं आई, फिर ये अपने आप को आलिम कहता है। अगर आप आलिम हैं, आपको पता है कि चोर की सहूलत कारी करनी, इस तरह हमला करने के लिए इरादा करना, और दफ़ा 144 कानून अलहदा लगा हुआ। इमरान खान असल में देखे कायद अजम के बाद वो वाहिद पाकिस्तानी लीडर जिसने ताकतवर लोगों को बताया कि आप अवाम के खादिम हैं, असल ताकत जो है अवाम की है, टैक्स के पैसों से तनख्वाह आपको मिलती है, और अवाम को भी बताया कि आप असल ताकतवर हैं। कायद अजम की बहन फातिमा जिना, मैंने बताया कि वो, उन्होंने भी कई दफ़ा कहा मेरे पास देखें वोटर मौजूद हैं, आप लोग वोट की इज्जत करें, असल वोट की। शेख मुजीबुर रहमान भी यही बोलता रहा कि देखो हाथ जोड़ के मेरे साथ, देखो सारी अवाम है, आयन कानून कहता है मुझे हुकूमत बनाने दो, वोटर मेरे साथ है, इसकी वोट की इज्जत करो। बेनज़ीर भुट्टो भी यही कहती रही एक दौर में, वो भी कि देखो मेरे पास वोटर हैं ये सारे लोग जो हैं, इस वोट की इज्जत करो। इन्हें समझ नहीं आई। अब पहली मरतबा ये हो रहा है, तारीख में पहली मरतबा जब इमरान खान को गिरफ्तार किया तो वोटर ने खुद निकल कर कहा कि ये हमारा लीडर है, अब तुम हमारी इज्जत करो। तो ये बात अब शायद समझ आ जाएगी कि मिस कैलकुलेशन, उम्मीद है इस दफ़ा नहीं होगी। ये तकरीर इमरान खान की बड़ी संजीदा थी, 75 साल में जो बातें किसी ने नहीं कही वो भी इमरान खान ने कह दी, और वो भी अवाम के भरोसे पर इमरान खान ने ये सारी किश्तियाँ जलाई हैं। अब इमरान खान को गिरफ्तार करना देखें किसी हद तक जा सकते हैं, जो अभी बदतरीन तशद्दुद, पकड़ धकड़, इंटरनेट बंद, दोबारा जबर का, ये सब कुछ मामलात हो सकते हैं, और हो सकता है ये इलेक्शन तक आगे चलते रहे। मुराद सही जैसे बहुत सारे लीडरान ऑलरेडी पहले इनके निशाने में, अब कुछ लिफाफा सहाफत के बदबूदार लोग, घिन आती है इनसे जो बयानियाँ बनाते हैं कि इमरान खान की कोई डील हो गई है। क्या अवाम के पास इस तरह की लीडरशिप पहले कभी आई? जिस तरह अवाम उसके साथ खड़ी है, उसे डील की ज़रूरत ही नहीं, इसीलिए अब लोग उससे हट के अब चीफ जस्टिस पर हमला करें, उमर बंदयाल पे कल, क्योंकि उसने भी इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा। अब ये लोग उसे हटाने या इस्तीफा देने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान की तरह, लेकिन वो भी डट के खड़ा है। कल उनका भी बहुत बड़ा इम्तहान है, करेंगे क्या? तोहीन अदालत में फायर करेंगे, फारिग करेंगे? क्योंकि देखें इमरान खान उनको बता रहा है कि अवाम आइन और कानून की बालादस्ती पर चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। आज जो लोग निकलेंगे वो बता देंगे, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर इन्होंने बंदिश लगाई, ट्विटर पर पिछले 4 दिनों से देखें तमाम के तमाम हैशटैग, देखें एक हैशटैग था वो कौन सा, 22 लाख ट्वीट्स उस पर हुई थी सिर्फ अभी सुबह तक। टिकटॉक पे आप देख लें, सिर्फ एक हैशटैग के पता नहीं व्यूज को 22 करोड़ तक वो पहुंच चुके थे। तो इसलिए अवाम के साथ बेचैनी है, इस्तराब है, गम गुस्सा है, परेशानी और तकलीफ है। अब मैं देख रहा हूँ इमरान रियाज, इमरान रियाज की ज़िंदगी देखें, वो लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में, सबको पता है। इमरान खान ने भी ये बात कह दी, उसके घर वाले भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। उसकी सेहत के बारे में जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो बहुत तश्वीशनाक है। अब ज़ाहिर है बंदा सामने नहीं है, अभी इन अफवाहों पर भी यकीन होता है, सांस की बीमारी का भी उसका सुना है, अल्लाह ताला उसको सेहत और ज़िंदगी दे, इन ज़ालिमों की उम्र उसको लगाए सबकी। यकीन करें जब भी ट्विटर खोले पहले इमरान रियाज को की प्रोफाइल पर मैं तो जाता हूँ, ज़ाती तौर पर मैं उसे पसंद करता हूँ दिल से, और दुआएँ करता हूँ, मैं नमाज के लिए पहली दुआ मेरी होती है आजकल उसके लिए, अल्लाह उसको सलामत रखे, महफूज रखे। उसने अना का मसला इन्होंने बना लिया। इमरान ने क्या बात की है? इमरान को बहुत कहा गया कि आप बाहर चले जाएं, बाहर चले जाएं, क्योंकि असल मसला उसके बोलने का है, उसके होने का नहीं। उसकी आवाज़ तंग करती है, उसकी सच सुनने का हौसला नहीं है इनके अंदर। आप तारीख उठा के देखें, मैं देख रहा था हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क है, ये एक फलसफा ज़िंदगी है। ताकि क़यामत तक हमें नज़र आएगा हक और बातिल का मुआरका। तारीख में जो हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, आप उसे स्टडी करें ज़रा, नेल्सन मंडेला पढ़ता रहा वो, इन लोगों ने क्यों पढ़ी? कि जिन लोगों ने इमाम की मुखालफत की वो लोग हाफिज़ कुरान भी थे, वो बड़े बड़े ऊंचे कारी भी थे, 5 नमाज़ें भी पढ़ते थे, 30 रोज़े भी रखते थे, लेकिन इस लश्कर के लोगों का आज किसी को नाम तक नहीं याद। तारीख में आपको कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा जो फ़ख्र से कहे जी मैं यजीद के ख़ानदान या उसकी फ़ौज का हमायती हूँ या उसके साथ था। हर शख्स आपको इस दुनिया में इस फ़लसफ़ा हुसैन के साथ अपने आप को जोड़ता नज़र आता है। हमारे तो इतने अमाल नहीं है कि हम ये कह सकें, लेकिन बज़ाहिर नाम के ही सही हम लोग हुसैनी हैं सारे। हर वो शख्स जो हक पर खड़ा है उसे जुल्म सितम सह रहा है, लेकिन हक बात से पीछे नहीं हट रहा, वो फ़लसफ़ा हुसैनी का कायल है। इमरान रियाज भी एक हुसैनी है। तकलीफ परेशानी उस पर जो आई है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह उन तकलीफ के बदले में उसकी तकलीफ़ को दूर करे, से कोई गम परेशानी उसके घर वालों को ना दे। पाकिस्तानी अवाम को भी देखें अपनी याददाश्त में ये बात रखनी होगी, आप इमरान खान के कहने पर शाम को निकलें तो इमरान रियाज को भी याद रखें, बार बार रखें, सोशल मीडिया पर, दोस्तों पर, हर जगह उसकी बात करें, क्योंकि जितने भी लोग इस वक्त मुसीबत में आए हुए, परेशानी में आए हुए हैं, उन सब का जिक्र करें, उनकी बात करें, उनको, उनका नाम न डूबने दें।
इन्होंने टीवी का तो जो एंटरटेनमेंट थी ये लोग देखते थे टीवी जो एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी ख़त्म हो चुकी है पहले ही। अब मैं टीवी देखें तो उसमें जावेद लतीफ़, वो खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ, शर्जील मेमन, राना सनाउल्ला, गफूर हैदरी, उस इमरान टसोरी, वो जो है खालिद मकबूर, ये इस तरह के लोग टीवी पे आते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अब बंदा क्या कहे। लोगों को तो अब ये भी नहीं पता भी वो न्यूजीलैंड की टीम कब आई और कब चलेगी। एक वाइद खेल क्रिकेट वो तो लोगों ने देखना ही छोड़ दिए। अब इस सारे मसले का हल क्या है? बड़ा आसान और बड़ा सादा है। देखें, मिसकैलकुलेशन ये बार बार कर रहे हैं, खान की गिरफ्तारी ब्लंडर था, उससे पहले रजीम चेंज ब्लंडर था, सारे ब्लंडर मार दिए उन्होंने, सब कुछ चेक कर लिया। आसान हल बड़ा ये, आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इमरान खान को हुकूमत में आने दें, खुद महंगाई परेशानी तकलीफ जो आवाम को होगी आवाम खुद रिजेक्ट कर देगी, करना चला काम, आपका मामला हल हो जाएगा। आपका मसला सिर्फ इसको ये है कि ताकत देने से दिल नहीं कर रहा, ताकत छोड़ने को दिल नहीं कर रहा कि यार 75 साल से हम लोग काबिज हैं, अब एकदम कैसे छोड़ दें। तो ये मजबूरी बन जाएगी। देखिए, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इस वक्त हालात तो बन चुके हैं कि वो दोनों में से एक पार्टी को तो हटना पड़ेगा पीछे, और खान तो नहीं हटता, ये तो अब सबको पता है, उसने कल जिस तरह बात कर दी है उस वो नहीं हटेगा, ये नहीं हटेंगे, बीच में फिर आपको पता है ख़राब होगा मामला। मैंने अभी बताया 1 जुलाई को बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान पर रहम करें, अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तानियों पर रहम करें, ये सब आपके अपने लोग हैं। जब पाकिस्तान होगा तो आपकी हुकूमतें होंगी। तो इसलिए इमरान खान को मारने, गिरफ़्तार करने और आवाम को तंग करने इसकी छोड़ दें, ये सब आपके बच्चे हैं, सब आपके अपने हैं, इन पर रहम व करम करें, अल्लाह ताला आप पर अपना रहम व करम करें, पीछे हट जाएं दो कदम, पीछे हट के दो कदम बैठ कर बात करके इस मामले को हल करें, इलेक्शन की तरफ जाएं, आवाम को फ़ैसला करने दें, तारीख से कुछ सीख लें। अल्लाह ताला आपको अकल दे, अपना और सबका ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह।